हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आशा है खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ। एक दो तीन चार पांच तरह के कद्दू हैं। कौन सा पसंद है आपको बताएं? बटरनट स्क्वाश। घर में सब्जियां खत्म रोज ही हो जाती हैं कुछ ना कुछ खत्म रहता ही है, तो ग्रॉसरी करने आ गए हैं। यहाँ पे प्याज आलू के साइज बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ये देखो येलो। और कुछ सब्जियाँ लेनी हैं घर के लिए, और यहाँ पे मुझे ये गाजर दिखी इतनी ज़्यादा बड़ी, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे नकली प्लास्टिक की गाजर है, पर है असली, ये जंबो कैरेट है। ठीक है, और हम लेने लगे इतना सारा जूस। ये है इनका सारा ब्रेड सेक्शन, और हम ले रहे हैं बल्क में आज ब्रेड। तो यहाँ हम ले रहे हैं ब्रेड, होल व्हीट है ना। फिर आप कमेंट करके बताना कि हमने कितनी ब्रेड ली। ये है कार्ट भर के, चलो और आप ये इसको कार्ड गिन के बताओ कितनी है। तो अब हम चल पड़े हैं, चलिए आपको दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं इतनी ब्रेड और जूस लेकर। आगे अभी आपको पता चलेगा कि हम कहाँ आए हैं, ब्रेड और जूस लेकर बस पहुँचने वाले ही हैं। तो हम यहाँ पर रख रहे हैं सारे जूस और ब्रेड। ऊपर तो मुझे पता नहीं सही कहाँ है, चलो मैं देखता हूँ। नीचे वाला सेट कर दो ना। ये फ्रीजर है ये ना और ठंडा ये करने के लिए फ्रिज लगा है, हुआ है। दोनों साइड बाय साइड लगाए हैं, और साइड में इसके ये फ्रीजर लगा हुआ है। ये है हमारे सिटी का कम्युनिटी फ्रिज। बंद कर रही हूँ, फिर खोल लेना दोबारा। हमारे सिटी में ऐसे तीन कम्युनिटी फ्रिज हैं, छोटा सा। पूरा खाली तो खाली रखना आपको है ना, अगर कोई फूड आइटम क्योंकि किसी हम को ना देना हो तो आप कम्युनिटी फ्रिज में रख के जा सकते हो, और जिसे ज़रूरत होती है वो यहाँ से लेके चला जाता है। तो ये रखी हमने ये ब्रेड, इसके ऊपर एक रखो। वहाँ पहले भी बहुत सारा सामान पड़ा था तो उसे मैं एडजस्ट करके रख रही थी, जगह बना रही थी। और एक ब्रेड नीचे, फिर ये ऐसे इस तरह से सारी बीच में आ गई थी, एडजस्ट हो गई थी। दूसरे साइड में एक और फ्रिज भी है और फ्रीज़र भी है। ये छोटा सा एक रूम सा बनाया हुआ है, उसके अंदर ही सब कुछ लगाया हुआ है। यहाँ किसी ने योगर्ट और सब्जियाँ भी रखी हुई थी पहले। लोग आते हैं शाम को, जिसे जो लेकर जाना होता है वो ले जाता है। अब तो भर गया जगह भी। अब ये काफ़ी, तो ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, छोटा सा रूम बना हुआ है। ये एक साइड है पैंट्री, और ये दूसरी साइड है फ्रिज एंड फ्रीज़र। ये है कुछ लोग अब उसमें से सामान लेने के लिए भी आ गए ये हैं। सब खा लेते हैं ना, और बच्चों के भी काम आ जाती है, मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया। और तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है, यहाँ कोई गरीब इंसान भूखा नहीं सोता। तो कैसा लगा आपको हमारे सिटी का ये सिस्टम? और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।